बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज फर्स्ट ईयर हमने अपना चैप्टर जो 4 स्टार्ट किया है उसका सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, 4.2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है बेटे, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो चैप्टर 3 का, 2 का, 1 का, तो आप 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से पहुँच जाए और आप उसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है बेटे, और अगर आप कोई टॉपिक और समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बेटे बात कर लेते हैं बेटे वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? तो बेटे अगर आपको याद हो, जैसे आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा था और कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा था बेटे, ठीक है बेटे, अगर आपको याद हो आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल भी पढ़ा था। अगर हमने पढ़ा था ये कि कांस्टेंट अगर ना हो मतलब इक्वल, कांस्टेंट मतलब सेम, ठीक है हाँ, और वेरिएबल मतलब डिफरेंट। तो प्रीवियस ग्राफ था ऐसे स्ट्रेट लीनियर, लेकिन यहाँ पर ये देखे ना, ये हमारी फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हर पॉइंट पे आप देखें फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, चेंज है। ये देखें, ये फोर्स F1, इसने एंगल बनाया थीटा, ओके बेटे, इस पॉइंट पे लगी F2, इसने एंगल बनाया थीटा 2, वो थीटा 1 था, ये है थीटा 2, ओके बेटे। इस तरह सो ऑन, ये कह दें फोर्स है FN, इसने एंगल बनाया थीटा N। तो इस तरह हमारे पास ये बहुत सारे इसके क्या हो गए, पोर्शन बन गए। ठीक है बेटे, हाँ। तो आप कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हूज FD फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज शोन इन फिगर, अबव फिगर कह लो, बिलो कह लो, या राइट साइड पे कह लो, जहां आप ड्रॉ करें वहां साथ आप बताएंगे। ठीक है बेटे, हाँ। सो वी हैव टू ड्राइव द एक्सप्रेशन, क्योंकि सिंस वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, हमने इस फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, हम क्या करेंगे, इस फोर्स के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। कौन सी फोर्स है, वेरिएबल। हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड द पाथ इंटू एन इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब टाइम के इंटरवल्स बन गए लाइक Δt1, Δt2, Δt3, so on Δtn, तो इसी तरह हमारे डिस्प्लेसमेंट के भी इंटरवल बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। सिंस डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो भी इसी तरह Δt1, Δt2, so on Δtn, ठीक है बेटे। इसी तरह हमारा सिमिलरली आवर वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होगा जी, वो भी इसी तरह होगा W1, ठीक है W2, so on Wn, ठीक है बेटे। तो टोटल वर्क डन हमारा
टोटल वर्क डन, जिसको हम कह सकते हैं W टोटल, ये किसके इक्वल है? तो देखिएगा, W टोटल विच इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन WN, ठीक है बेटे? हाँ जी, तो उससे पहले हमें सारे W's की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं इक्वेशन 1 है हमारी, दिस इज अवर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। लो जी, अब हमने सारे W's की वैल्यूज निकालनी और पुट करनी है, तो हमें पता है कि W1 F1 डेल्टा D1 कोज ऑफ थीटा 1, ठीक है बेटे? तो बेटे इसी तरह W2, इसी तरह WN, सो ऑन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इन तमाम का सम, वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वेशन 1 विल बिकम वो क्या होगी, W टोटल, W1 की जगह आएगा F1 डेल्टा D1 कोज ऑफ थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 कोज ऑफ थीटा 2 सो ऑन, FN डेल्टा DN कोज ऑफ थीटा n। ओके बेटे, अब आपको ना एक सिंबल आपने पढ़ा था 9th में भी, इक्वेशंस ऑफ मोशन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में, वो ये पढ़ा था आपने सिग्मा एफ डेल्टा डी कोज ऑफ थीटा। अब सिग्मा क्या है बेटे, अब यहाँ आप यूज़ करेंगे आई, ये आई की वैल्यू कहाँ है, 1 से लेकर एन तक, तो आप बताएंगे आई इज इक्वल टू 1 टिल एन, सिग्मा सम ऑफ ऑल, सिग्मा मतलब सम, किस किस का सम, इन तमाम का, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर एन तक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बेटे? तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटे, वो इस तरह से आइए देखें, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा फोर्स, ठीक है? तो इस तरह से इसका एक ग्राफ यहाँ बन रहा है, तो एरिया अंडर कर्व इसके अंदर क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है बेटे? हाँ, ये देखें, ये इसका एरिया अंडर कर्व है, ये इसका, ये हमारा है W1 W2 सो ऑन WN, ठीक है बेटे? हाँ जी, चूँकि W1 पे F1 D1 कह ले, यहाँ लिख लेते हैं, ये डेल्टा D1, ये डेल्टा D2 सो ऑन डेल्टा DN, ये फोर्स है ना, तो टोटल W हो गया, ठीक है बेटे? उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये ग्राफ इसी तरह एक और बार बना हुआ है, वो भी यही ग्राफ है, लेबलिंग बस इतनी सी है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना बेटे? तो ये कहता है ये जो अंडर कर्व ग्राफ है, दिस इज़ अवर वर्क डन, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बेटे एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है, वो ये कि एफ कोज ऑफ थीटा, कि ये जब ग्राफ आपका जब लीनियर ना हो, जो प्रीवियस था, ठीक है ना, मतलब ये कहने का, इफ़ द फोर्स, आपने डेफिनेशन वर्क डन की याद की ना, प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ाई थी कि वर्क डन प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना हो तो क्या होगा, हमारा वर्क डन में हम एफ कोस थीटा को यूज़ करेंगे, ठीक है बेटे? ये MCQs है, इसको कीप इट माइंड, दिमाग में रखना है, याद रखना है, MCQs आएगा, अगेन सुन लें, जब हमारा वर्क डन में जो डायरेक्शन ऑफ
फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होगी, अगर नहीं होगी तो हम फोर्स की जगह एफ कोज ऑफ थीटा यूज़ करेंगे। तो ये देखें, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग है, फोर्स अलग है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटे, ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। अब इसमें अगर आप किसी एक पॉइंट पे वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब ये कहने का इंस्टेंटेनियस वर्क डन आपने फाइंड करना है, जिसमें आप कह देते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब आपने इतने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए कि डेल्टा टी क्या हो गया, बहुत कम, स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल हो गया, इंटरवल भी बहुत स्मॉल हो गया कि टाइम हमारा अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो यह फार्मूला हमारा कुछ इस तरह बना, तो ये हमें क्या बताएगा उस पॉइंट पे वर्क डन की वैल्यू। ठीक है बेटे, याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस वर्क डन, ठीक है, उस पॉइंट पे निकालना हो तो आप यहां पे बता दें, लिमिट लगा दें। तो ये फार्मूला हमारा उस पॉइंट का वर्क डन आपको फाइंड आउट कर देगा। ठीक है बेटे, क्योंकि आप वर्ड का इंटरवल लगाएंगे, यहाँ पे आप देखें इतना स्मॉल कर दिया है, वेरी स्मॉल इंटरवल विच जस्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्क डन की भी वैल्यू डेफिनेशन आ गई कि अगर आप किसी पॉइंट पे वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर सके, करना चाहें, इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।